नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है नगर निगम फरीदाबाद वार्ड नंबर 40 के पार्षद पति राकेश गुजर जी। उनसे हम जानेंगे कि उनके कार्यकाल में कितने विकास कार्य वार्ड के हुए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आप दर्शकों को ये बताएं कितने विकास कार्य आपने अपने कार्यकाल के दौरान कराए। आपकी पत्नी पार्षद है, कार्यकाल से मेरी मैडम यहाँ से पार्षद सविता तंवर है और जब से पार्षद बनी है वार्ड नंबर 40 में लगभग मैं बताऊं करीबन 40 करोड़ के काम हमारे वार्ड में हैं। कि वार्ड नंबर 40 में कोई भी काम ऐसा नहीं था, ना तो सीवर थी, ना पानी थी, ना रोड थे। 9 करोड़ की लगभग सीवर हमारे वार्ड में डली, 3 करोड़ का डिस्पोजल बना, डीआई की लाइन डली, 18 करोड़ के 11 आरएमसी रोड बने, 100 गली बनी। मेरे हिसाब से टोटल लगभग और छोटे मोटे काम इतने हैं कि हम गिनवा भी नहीं पाएंगे। लगभग 40 करोड़ के काम जब से हम पार्षद बने हैं आदरणीय यहाँ के मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी, सेंट्रल के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा काम वार्ड नंबर 40 में हुए हैं। राकेश जी, भावी योजनाएं क्या क्या रही हैं आपकी, जो आपके मन में हो कि पिछले 3 साल में नहीं हो पाई और जो शेष कार्यकाल आपका बचा है उसमें आप कराना चाहते हैं? भाई जी, अभी जो हमारे वार्ड नंबर 40 की मूलभूत सुविधा है वे लगभग पूरी होने जा रही हैं। बिजली, सीवर, पानी, लाइट, खम्भे, कम से कम 1200 खम्भे लगवाए। अब आने वाले टाइम में हमारे वार्ड की 2 बहुत बड़ी समस्या है। मेरे वार्ड में लगभग 11-12 कॉलोनी छोटी आती है, उनमें कोई कम्युनिटी सेंटर, पार्क, स्कूल नहीं है। एक तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से वह समस्या है कि हमें एक जगह अलॉट करी जाए। कम से कम 12-13 कॉलोनी आती हैं जिनमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हम कोई सार्वजनिक काम कर सकें, लोगों को फायदा मिल सके। गरीब लोग उनका वार्ड है। एक हमारी बहुत पुरानी समस्या है 2013 से, यह सुभाष कॉलोनी और संजय कॉलोनी के बीच में एक रेलवे लाइन है मेरे वार्ड में। वो अंडरपास की डिमांड हमारी पीछे 8 साल से चली आ रही है। 2016 में जब हमारे यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की ने मंडी में प्रोग्राम किया था, वहाँ सीएम अनाउंसमेंट के तहत एक अंडरपास की घोषणा हुई थी, लेकिन इन्हीं कारण के बस नॉन फिजिबिलिटी करके वे कैंसिल कर दिया था। अब दूसरे हमने उसकी फाइल लगाई है और ये हमारे वार्ड के 2 बहुत बड़े काम हैं। और कुछ हमारी मूलभूत सुविधा है, अभी ऐसा कुछ एरिया है जहाँ हमारी सीवर भी नहीं है, पानी भी नहीं है और रोड की भी कुछ कमी रही है। राकेश जी, आपकी लोकप्रियता कहें या कहें कि आपके आपके जो पार्षद आपकी पत्नी हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी उंगली उठाई थी पिछली बार, इस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया? इस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा, हमारे कोई कोर्ट में विचारधारी है, हम केस भी जीत गए और लोगों ने आगे अपील कर दी, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका स्वागत है। तो आप कोई संदेश आप अपने वार्ड के लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 40 एक गरीब वार्ड है जो यूज करा गया है, राजनीति में यूज करे गए। 20 साल से लोग रैली करवाते आए और सब कॉमन के लिए अगर कोई भी रैली, प्रदर्शन, धरना, तो वार्ड नंबर 40 के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती थी। पहली बार लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया, यहाँ के मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी पर विश्वास दिलाया, तो लोगों ने ये पूरा विश्वास है कि आपके सारे काम या सरकार के द्वारा किए जाएंगे। हमारे वार्ड में हर आदमी को विश्वास है कि आपके काम करे जा रहे हैं और आने वाले टाइम में सारे काम करवाए जाएंगे। सदन में कुछ पार्षद खिलाफत में खड़े हुए कि पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं होती, नगर निगम अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते, कहां तक इस बात में सच्चाई? इसमें सच्चाई है, लेकिन कुछ पार्षद भाई भी हमारे बेतु की बात में कर लेते हैं। कई बार जो नगर निगम की बात है, नगर निगम में तो भाई जो हालत कांग्रेस के टाइम में रही, 1 रुपया सारी लड़ाई फंड की है, 1 रुपया भी फंड नहीं है नगर निगम में, तो काम ही नहीं होते। तो धन्यवाद करूं मैं आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने सीएम अलाउंसमेंट के तहत हमें इतना पैसा दिया मंत्री जी की डिमांड पर। नहीं, हमारे नगर निगम से कोई भी काम नहीं होते थे, नगर निगम में पैसा ही नहीं है। मान सम्मान की बात है, नगर निगम के सारे JSDO एक्शन सारे कॉपरेट करते हैं, सारे काम भी करते हैं, लेकिन कुछ नियम कानून है उनके तहत ही काम करे जाते हैं। पार्षद बाजे बाजे
खामोखा की बात करने लेके खड़े हो जाते हैं, वे ठीक नहीं है। प्रशासन भी सारा तरह से पार्षद का सम्मान भी करता है, काम भी करता है। राकेश जी, गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं, पेयजल को लेकर के लोग अभी से जाकर नगर निगम डीसी साहब से मिलने लगे, इस पर क्या कुछ आपके कोई खास रणनीति या कोई खास तरीका है जिससे पेयजल से समस्या से निजात मिल सके लोगों को? पेयजल पर भी हमारे मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अभी जो 5-5 करोड़ रूपया विधानसभा वाइज मिले हुए, सारे के सारे पानी पे लगाने का काम कर रहे हैं मंत्री जी। और जो हमारे बल्लभगढ़ की मैं बात कहूँ और वार्ड नंबर 40 की कहूँ, आने वाले टाइम में हमने कम से कम 10 मिनी ट्यूबवेल लगाए हैं, और भी ट्यूबवेल के लिए पानी के लिए हमारा भी मंत्री जी का पूरा फोकस है। गर्मी में कोई भी प्रदर्शन धरना पानी को लेकर नहीं होने देंगे, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है।